फ्रेंड्स आपको ना ओरियो मिल्क शेक बनाने का एक बहुत ही जुगाड़ू तरीका बताऊँ मतलब आप अगर हॉस्टल वगैरह में रह रहे हो या जहाँ पर आप मिक्सी वगैरह यूज़ नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हो आप ऐसे मिल्क शेक बना सकते हो तो ये स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए ठीक है तो आप ये बनाओ और मुझे दुआएं दो और एक और बात आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपका फेवरेट मिल्क शेक कौन सा है ठीक है अब यहाँ पे मैंने क्या किया, किया कि, कि मिनी ओरिज ले ली उसको एक जूस की बोतल में मैंने इसमें जूस में जो मिला था और उसी को मैंने वॉश कर लिया ठीक है तो उसके अंदर मैंने मिनी और डाले थोड़ी सी आइस डाली और वन स्कूप आइसक्रीम ठीक है आइसक्रीम डालने के बाद इसके अंदर मैंने चॉकलेट सिरप थोड़ा सा ऐड किया था और अगर आपके पास चॉकलेट सिरप नहीं है ना तो कोई बात नहीं आप इसके अंदर सिंपल चॉकलेट भी ऐड कर सकते हो ठीक है और ना भी ऐड करो उसके अलावा भी ये बहुत अच्छा बन जाएगा चलें यहाँ पे चॉकलेट सिरप डाल रही हूँ और मैं आपको एक बात बताऊँ ये इतना अच्छा बनकर रेडी हुआ था ना मैं भी क्योंकि इसको फ़र्स्ट टाइम ये बना रही थी तो मुझे ये नहीं पता था कि अच्छा बनेगा इस तरह से मतलब ये अच्छे से सारा मिक्स हो जाएगा दूध के अंदर ओरियो यह ऐसे और ये बड़ा क्रंची क्रंची सा भी रहेगा क्योंकि थोड़ थोड़े थोड़े ओरियो का क्रंच भी बीच में आएगा आप इसको ज़रूर ट्राई करना और इसके बाद अच्छी तरह से बॉटल को घुमाना है इधर घुमाना है दाएँ घुमाना है बाहीं घुमाना है जैसे मर्ज़ी घुमाए ठीक है तो इसको घुमाने के बाद देखो बहुत ही बेहतरीन बनकर रेडी हो गया था अब लेकिन फिर भी मैं ऊपर से थोड़ा सा और चॉकलेट सिर्फ ऐड कर रही थी क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था और वैसे भी चॉकलेट की मैं बहुत बड़ी फैन थोड़ा सा दूध ऊपर से, से एक पिक्चर अच्छी लगाने के लिए ठीक है ना वैसे बहुत बेहतरीन बनकर रेडी हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना ज़रूर और मुझे बताओ आपका फेवरेट मिल्कशेक कौन सा है और आप सर्दियों में क्या क्या पसंद करते हो मिल्कशेक पसंद करते हो क्या